गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि सुप्रा MK4 खरीदने के लिए, वो कार एक हफ्ते में मेरे पास आ जाएगी। उससे पहले उससे भी ज्यादा कमाल की कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है निसान स्काईलाइन GTR ड्रिफ्टिंग RC कार। आज इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे। आज इसके साथ फाइट कराने के लिए मेरे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की ड्रिफ्टिंग कार्स है, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है फोर्ड मस्टैंग, ये वाली भी फोर्ड मस्टैंग ही है, पर ये 2015 का मॉडल है। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर कराते हैं इसकी फाइट, देखते हैं ये कार कितने अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करती है। लेट्स गो। इसके अंदर बहुत सारे यूनिक से फीचर्स दिए गए, जैसे कि इसके अंदर आपको बैटरीज भी मिल जाती है, आप इसको डायरेक्ट USB से चार्ज कर सकते हो। टर्बो बूस्ट का भी ऑप्शन ये कार के अंदर दिया गया है और पावर स्लाइड भी ये कार कर सकती है। एक्चुअल में ये एक हेलो किटी का वर्जन है। इसके अंदर बहुत अलग अलग वर्जन भी आते हैं, आप चाहे तो इसका रेड कलर वाला वर्जन भी खरीद सकते हो। ये जितनी भी ड्रिफ्ट कार्स होती है ना यार, इनकी पैकिंग देखो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। ये बॉक्स शायद इधर से खुलेगा, यहाँ से इसको निकालते हैं बाहर। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर गया, लाइक ऑन भी जरूर से दबा देना। यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट वाले व्हील्स भी दिए गए, अगर ये व्हील्स खराब भी हो जाते हो तो गाइस इनको निकाल के आप ये वाले व्हील्स यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो। इस तरफ इसका रिमोट कंट्रोलर दिया गया है। चलो सबसे पहले इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमोट दिखने में काफी ज्यादा ऑसम है और काफी ज्यादा बड़े साइज का। स्टीयरिंग का साइज देखो गाइस काफी ज्यादा बड़ा है। बूस्टर बटन, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ना गाइस, कार एकदम खतरनाक तरीके से भागने लगती है और बहुत ही मस्त तरीके से ड्रिफ्ट भी कर सकती है। दिखाता हूं मैं आपको कार। ओ माय गॉड, देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा क्यूट नजर आ रही है ये कार। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह भी चिपकाए गए हैं, ऊपर की तरफ काफी बड़ा स्पॉइलर भी दिया गया है ताकि ये कार बहुत ही मस्त तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर सके। दिखने में कंप्लीटली निसान स्काईलाइन जैसी ही दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, डिजाइन इसका मेरे को काफी ज्यादा फंकी लगा और इसका कलर तो आप देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अंदर एक खास चीज मेरे को लगती है गाइस, वो है इसकी बैटरी। बैटरी इंटीग्रेटेड ही दिया गया, बैटरी को बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हो, यहीं से ही आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका USB केबल है, आप कोई भी चार्जर में लगा के इसको डायरेक्टली फटाफट तरीके से चार्ज कर सकते हो। अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक और बहुत ही कमाल की ड्रिफ्ट कार। इसका नाम है फोर्ड मस्टैंग GT वाइट बॉडी RC कार। इसका जो लुक है ना भाई काफी ज्यादा कमाल का है। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करूंगा, आज देखते हैं गाइस निसान स्काईलाइन जीती है या फिर हमारी फोर्ड मस्टैंग जीती है ड्रिफ्ट करने के मामले में। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ड्रिफ्टिंग RC कार्स है, पर ये दो कार्स काफी ज्यादा बड़े साइज के है दूसरे कार्स के मुकाबले में। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके का रिमोट देखने को मिल जाता है, पर इसके रिमोट की क्वालिटी निसान स्काईलाइन से भी ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रिप दी गई है। यहाँ पे इसके अंदर बूस्टर का बटन है, सेम स्टीयरिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आप इसके एक्स्ट्रा व्हील्स देख सकते हो। ये रही कार, ओ भाई साहब क्या ही खतरनाक सी दिखाई दे रही है, लुक काफी ज्यादा यूनिक है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से ये एकदम जमीन से चिपक के चलती है और बहुत ही अलग अलग तरीके की ड्रिफ्टिंग कर सकती है। सामने देख रहे हो इतना बड़ा बंपर दिया गया है, पर इसके अंदर ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर भी सेम सिस्टम है, बैटरी अंदर की तरफ है। ओके गाइस, अब कॉर्वेट RC कार को अनबॉक्स करते हैं। ये भी एक्चुअल में रियल ड्रिफ्टिंग RC कार जैसी ही बनाई गई है। इसका लुक आप देख सकते हो बिल्कुल कॉर्वेट कार जैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट थोड़ा सा छोटा है पर इसका डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा कमाल का लगा। स्टीयरिंग थोड़ी सी छोटी है पर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ड्रिफ्ट कार की स्टीयरिंग काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए तभी कार बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है और उसको चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। कार को मैंने निकाल लिया है, इसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल दी गई है। इसके अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे अलग से रिचार्जेबल बैटरी डालनी पड़ती है। ये कार कंप्लीटली 4-व्हील ड्राइव है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कार भी कंप्लीटली 4-व्हील ड्राइव है। ओवरऑल कार का साइज थोड़ा सा छोटा है ये दोनों कार्स के मुकाबले में। इसका लुक वगैरह बहुत ज्यादा यूनिक है। मेरे पास एक और फोर्ड मस्टैंग है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह कर सकती है, पर ये 2015 फोर्ड मस्टैंग GT है और ये 2018 फोर्ड मस्टैंग GT है। तो देखते हैं दोनों के बीच में फाइट करा के दोनों में से आज कौन जीता है। पर इसका वजन ना यार बहुत ज्यादा है ये वाली फोर्ड मस्टैंग के मुकाबले में, क्योंकि ये कार बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। कितनी ज्यादा कमाल की डिटेलिंग इसके ऊपर देखने को मिल रही है। सामने की तरफ इस तरीके की स्ट्रिप है, यहाँ पे फोर्ड का लोगो वगैरह दिया गया, हेडलाइट्स है, व्हील्स भी देखो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। पर इसके अंदर एक चीज मेरे को बेकार लगती है गाइस, वो है ये इसका 2-व्हील ड्राइव। इसके अंदर रियर व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसकी भी बैटरी इंटीग्रेटेड दी गई है।
इसका बॉडी कवर आप बिल्कुल भी नहीं खोल सकते हो। अगर गाइस ये एक बार खराब हो जाएगी ना तो आपको ये फेंकना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकती है। इसका डिजाइन मेरे को इससे भी ज्यादा तगड़ा लग रहा है क्योंकि इसका कलर भी बहुत ही अलग दिया गया है। इसका रिमोट भी एक बार दिखा देता हूँ, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी छोटे साइज का रिमोट है। यहाँ पे इसके अंदर भी बूस्टर का बटन देखने को मिलता है। जो स्टिक्स की क्वालिटी ठीक ठाक है इसके प्राइस के हिसाब से। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये कार चला के बताया था, आपको ये कार बहुत ज्यादा तगड़ी लगी थी। से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि सुप्रा MK4 या फिर MK5 खरीदने के लिए, तो जरूर से मैं खरीद के लेके आऊंगा, थोड़े ही दिन में वो कार मेरे पास आ जाएगी। तो इसके साथ इस तरीके का रिमोट मिला है, तो आज इसकी भी मैं फाइट कराने वाला हूँ। ये इतनी ढेर सारी ड्रिफ्ट कार के साथ देखते हैं ये सुप्रा इनके सामने टिक पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है गाइस। चलो फटाफट से पहले इसको ही आज चलाएंगे, उसके बाद इन सबके बीच में फाइट कराते हैं, लेट्स गो। ये सभी कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया, ये सभी की सभी कार्स बहुत ज्यादा चमचमा रही है। खास तौर पे निसान स्काईलाइन GTR का लुक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मेरे को लग रहा है। यहाँ पे निसान स्काईलाइन GTR इन सबसे ज्यादा बड़ी भी है, तो चलो सबसे पहले इसको ही चला के देखते हैं। यहाँ पे बूस्टर का बटन मैंने प्रेस कर लिया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी मस्त तरीके से ड्रिफ्टिंग करेगी। अरे भाई साहब, इसको कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा ईजी है। आमतौर पर ड्रिफ्ट कार्स प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होती है, पर निसान स्काईलाइन GTR बहुत ईजिली कंट्रोल हो रही है और इसको मैं काफी आसानी से चला भी पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 360 डिग्री ड्रिफ्ट भी करा के देखा है, ये कार बहुत आराम से 360 डिग्री ड्रिफ्ट भी कर रही है। फोर व्हील ड्राइव होने के कारण इसकी ड्रिफ्टिंग की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा दी गई है। यार मैंने तो आज तक इतनी खतरनाक ड्रिफ्टिंग कार पहली बार चलाई है। तो आप चलाते हैं ब्लैक बेस्ड फोर्ड मस्टैंग RC कार को, देखते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। मेरे को लगा था कि ये निसान स्काईलाइन जैसी ड्रिफ्टिंग करेगी, पर उससे थोड़ी सी ये मेरे को कमजोर लग रही है ड्रिफ्टिंग के मामले में। इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी खराब है गाइस, जैसे ही मैं इसको ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा था ये थोड़ा सा दीवारों से टकरा रही थी, क्योंकि इसका सामने का बम्पर काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसको ड्रिफ्ट करने के मामले में। तो अब ये मिनी फोर्ड मस्टैंग को चला के देखते हैं। ओ माय गॉड, ये कार तो शुरुआत से ही काफी बढ़िया तरीके से ड्रिफ्टिंग कर रही थी, पर इसके व्हील्स थोड़े से छोटे होने के कारण बड़ी मस्टैंग के मुकाबले में ये कार भी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रही थी। अब मैं चलाने वाला हूँ फोर्जा मोटरस्पोर्ट कॉर्वेट सुपर कार को, देखते हैं ये कितने अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। इसके अंदर बिल्कुल रियल कार जैसी आवाज दी गई है और रियल कार जैसी हेडलाइट भी दी गई है। इसके व्हील्स रबर के होने के कारण इसको यहाँ पे ग्रिप मिल रही है, अगर प्लास्टिक के व्हील्स होते तो गाइस ये ठीक ठाक तरीके से फिसलती हुई ड्रिफ्ट कर सकती थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी 360 डिग्री तो बहुत अच्छे तरीके से घूम रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये अच्छे से ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है। ओके दोस्तों, अब मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रिफ्टिंग कार को मैं चलाने वाला हूँ, ये है सुप्रा जनरेशन 2 RC का। इसके सामने के व्हील्स बहुत ज्यादा टर्न हो जाते हैं, इस वजह से देख रहे हो गाइस किस तरीके से फिसलती हुई ये कार ड्रिफ्ट कर रही है। इसको एक बार आप चलाओगे ना भाई, अलग ही नेक्स्ट लेवल का मजा आता है, क्योंकि ये कार बिल्कुल रियल ड्रिफ्ट कार जैसी ड्रिफ्टिंग करती है। तो अब मैं रेस कराने वाला हूँ ये दोनों कार के बीच में, शॉर्ट ड्रैग रेस कराते हैं, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतता है। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पर निसान स्काईलाइन काफी ज्यादा फास्ट है और ड्रैग रेस में ये काफी आसानी से जीत चुकी है। मेरे को लगा था गाइस सुप्रा जीतेगी, पर निसान स्काईलाइन ने सुप्रा को काफी आराम से हरा दिया है ड्रैग रेस में। अब ये दोनों कार्स के बीच में कराते हैं ड्रैग रेस, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दोनों ही एकदम बराबर की टक्कर वाली कार्स है। पहले तो निसान स्काईलाइन थोड़ा सा आगे निकल गई थी, पर ब्लैक बेस्ड फोर्ड मस्टैंग इससे भी थोड़ी सी तेज मेरे को लग रही थी, पर जैसे जैसे मैंने इन दोनों को यहाँ पे चलाना स्टार्ट किया है मेरे को एक बात समझ में आई गई, ये फोर्ड मस्टैंग प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निसान स्काईलाइन काफी अच्छे तरीके से फिसलती हुई जा रही थी। तो क्लियरली यहाँ पे निसान स्काईलाइन ने हरा दिया है फोर्ड मस्टैंग को ये वाली रेस में भी। फोर्जा मोटरस्पोर्ट की रेस कराते हैं निसान स्काईलाइन के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। क्लियरली यहाँ पे भी निसान स्काईलाइन ने बहुत ज्यादा आराम से हरा दिया है। फाइनल रेस होगी गाइस ब्लू मस्टैंग वर्सेस निसान स्काईलाइन के बीच में, यहाँ पे भी निसान स्काईलाइन GTR ने हरा दिया है फोर्ड मस्टैंग को। अब बारी है आमने सामने वाली लड़ाई की, देखते हैं गाइस इन दोनों में से इस बार कौन जीता है। दोनों को काफी दूर से मैंने टकराया है, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो निसान स्काईलाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यार चुटकी बजाते ही ब्लू फोर्ड मस्टैंग को पीछे ढकेल दिया है।
अब ये दो बराबर वाली कार्स के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों की बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर निसान स्काईलाइन जीटीआर ने ब्लैक बेस्ड फोर्ड मस्टैंग को हरा दिया है। अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट निसान स्काईलाइन वर्सेस कॉर्वेट आरसी कार के बीच में, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। ओ माय गॉड, काफी खतरनाक सी टक्कर हुई है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे कॉर्वेट को आप बिल्कुल भी कम मत समझना गाइस, क्योंकि इसके व्हील्स कंप्लीटली रबर के बने हुए हैं, इस वजह से देखो गाइस ये इसके ऊपर भारी पड़ रही थी, पर निसान स्काईलाइन ने इसको पूरी तरीके से रोक रखा है। मेरे को लगा था गाइस ये कॉर्वेट 2020 जीत जाएगी, पर निसान स्काईलाइन इसके ऊपर भी भारी पड़ चुकी है और इसने हरा दिया है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी ड्रिफ्टिंग कार्स में से कौन सी कार सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलो अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है प्रदीप, रिंकू, नमन, राकेश, आर्यन, अंशुमन, शिवा, संजय, आकाश, रेहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।